आप मुझे बताइए साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की महामिलावटी रिमोट सरकार थी तो बेंगलुरु में धमाकू हुए थे या नहीं, बम धमाके हुए थे कि नहीं हुए थे? बेंगलुरु सहित पूरा देश आतंकी हमले के साये में जीने के लिए मजबूर था कि नहीं था? भाइयों बहनों, चौकीदार के 5 वर्ष की चौकीदारी में कोई बड़ा धमाका हुआ क्या? 5 वर्ष पहले तक जिनको रोक पाना नामुमकिन लगता था, उसको मुमकिन किसने किया? किसने मुमकिन किया? किसने बनाया? जी नहीं, बेंगलुरु के लोगों का जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया है, ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके एक वोट ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि बेंगलुरु में कोई बड़ा बम धमाका नहीं हो पाया। आपने एक मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ये उसी का परिणाम है, वरना यहां एक मिलावटी सरकार चलती, आपने देखा क्या हाल हो गया? किसी ने सोचा था कि देखते ही देखते कर्नाटक की ये दुर्दशा कर देंगे? सोचा था आपने? बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और कारण क्या? आपकी एक छोटी सी कमी बेंगलुरु के नागरिकों की, कर्नाटका के नागरिकों की एक छोटी सी कमी ने ऐसे लोगों को दोबारा बिठा दिया। आपके सपने आज सवालिया निशान बन गए। भाइयों बहनों, हर धमाके के बाद बेंगलुरु के, कर्नाटका के, देश की हर गली चौपाल पर, रेल में, बस में, दुकान में एक चर्चा बहुत होती थी। लोग एक दूसरे से सवाल करते थे कि अमेरिका घुसकर मारता है, इजराइल घुसकर मारता है, लेकिन भारत क्यों नहीं कर पाता? कौन है जो भारत को रोकता है? बताइए, ऐसी बातें होती थी कि नहीं होती थी? लंच ब्रेक में, ऑफिस ब्रेक में ये चर्चाएं होती थी कि नहीं होती थी? अब नया हिंदुस्तान घुस करके मारने लगा। आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ? दुनिया में देश का माथा ऊंचा हुआ? लेकिन कांग्रेस और उनके राग दरबारियों को, ये मिलावटी लोगों को बुरा लगा, उनकी नींद हराम हो गई। और वो तो मोदी को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस धमाके होते थे, देश के अलग अलग कोने में होते थे, लगातार होते थे, लेकिन धमाके के बाद कांग्रेस क्या करती थी? क्या करती थी? अपने गृह मंत्री को बदल देती थी, होम मिनिस्टर को बदल देती थी, अब खुद
सारा मटका किसी एक पर फोड़ करके चुप होकर के बैठ जाते थे। लेकिन मोदी गृह मंत्री नहीं बदलता है, मोदी तौर तरीके बदलता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कड़ा फैसला लिया। भारत की ये नई रीति और नई नीति कांग्रेस पचा नहीं पा रही है।